अस्सलाम वालेकुम यूनिक मामा ऑफिशियल। हमने अपना एक पेज और बनाया है और उसका नाम रखा है यूनिक मामा डायरी। तो अब हम हैं यूनिक मामा ऑफिशियल, लेकिन हम ये रेसिपी उस पर भी डालेंगे यूनिक मामा डायरी पे। तो हमने ये केले हार्वेस्ट किए हैं, ये बहुत काफ़ी, यानी हमने इसके बारे में आपको बताते रहे, ये इतने बड़े केले हो गए, मोटे भी बहुत हो गए। तो हमने कहा इसकी कुछ रेसिपी आपके साथ ट्राई करें। ये आगे से ऐसे बनने लगे थे, अब पता नहीं नया केला निकल रहा था कि क्या। हमने तो फर्स्ट टाइम ना इसको देखा, अपने घर में हार्वेस्ट किया, तो हम परेशान हो गए। हमने कहा बस हम ना इसको ना हार्वेस्ट कर लो, ये आगे से पता नहीं केला क्या कर रहा है। लेकिन अभी हमने सारे हार्वेस्ट नहीं किए, कुछ छोड़ दिए। तो हमारे घर में मुन्ना मेहमान आया, तो हमने कहा उसके लिए चिप्स तैयार कर ले। तो जितनी देर में हम इसको छीलते हैं, तो हम गैस ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, ये अचानक पूरी हो गई। ये हमें बड़ा पसंद था, लेकिन वो हमारे पास चूल्हे सेल वाले होते हैं, तो इसकी कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमारे चूल्हे का ना सेल ख़त्म हो गया था, तो हमने हमज़ा से फटाफट ये मंगा लिया कि हमज़ा से या कोई और बच्चा ये ले आया हमारे लिए। तो हम बनाने लगे हैं, हमारा मुन्ना देख रहा है कह रहे ये फूफो कैसे हैं, खुद ही खुद अकेले में बोल रही हैं। तो ये एक मरतबा छीलने से तो इसका मोटा छिलका नहीं उतर रहा, तो हमने इसको दो मरतबा छीले लिए। और जनाब हम इसके पहले साइड्स काट लें, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह करे अच्छे से बन जाए। फिर और भी इसकी डिशेस आपको बताएंगे जो हम पहले ट्राई कर चुके हैं बाज़ार से लेके। जो ग्रीन पार्ट्स है इसको निकाल दें आप, ज़्यादा देर आपने इसको छील के नहीं रखना। पता है केले का एक फितरत है अल्लाह ताला ने रखी है, ये ब्लैक हो जाता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी सारे फाइव को आपको पता है, हम क्या बताएं आपको। तो जनाब इतनी खूबसूरत कहें या प्यारी कहें, बस खुशबू फैल गई है इसकी सारे किचन में। मुश्किल काम नहीं है कुछ भी, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो इसलिए हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उठें खड़े हों और कुछ यूनिक करें, हमारा स्लोगन है, उठें बिस्तर छोड़ें कुछ यूनिक करें। बूढ़ा होने का कोई हक हासिल नहीं है हमें। भाई तुम किधर भाग रहे हो, तुमने जाना इसी चूल्हे में है, तेल में है, तो क्या जल्दी है इतनी। चलिए जी, तेल अभी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता गर्म। यहाँ पे हम चांद पे रहते हैं, हमें पता नहीं गैस आएगी, पानी कब आएगा, गैस कब आएगी, बिजली कब आएगी, पर आ जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम इसी को चांद समझते हुए यहीं रहेंगे। चांद पे जाने की क्यों इतनी महंगी टिकट खर्च करें हम। इंशाल्लाह ताला जन्नत में भी हम ऐसे ऐसी नेमतें खाएंगे, सारी परेशानियाँ यहीं बर्दाश्त करके जाएंगे। ठीक है जी, हमने तीन केले तैयार कर लिए हैं, अब हम इसके चिप्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताइए, हमारा कद्दूकश बहुत पुराना है, हर मौके पे हमारे काम आता है, आज भी यही काम आया। और जो अम्मा ने हमें जहेज में दिया था, आपको पता है हमने उसके साथ क्या किया, परिंदों का घोंसला बना दिया है। आज हमने देखा था परिंदे ना उसमें तितलियाँ पकड़ के लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा इसका मतलब है परिंदों ने बेबीज आ गए हैं उसके अंदर, तो हमें बड़ी खुशी हुई। जी बेटा, भतीजा आया हुआ है हमारे घर, बड़ी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। वो झांक झांक के जाता है, फूफो का दिमाग खराब हो गया, फूफो केले केले बातें कर रही हैं। तो जनाब चुपके चुपके देख रहा है, मुन्ना सा है, डेढ़ साल का है, अभी केले भी हार्वेस्ट किए। केले जब ऊपर से गिर रहे थे, इतना खुश हो रहा था, कहते ऊपर से भी गिरते हैं केले, मैं तो समझा था सिर्फ ऊपर में से निकलते हैं। तो जनाब ये देखिए जी, हमारे ये तीन अदद केले, एक पीस हम डाल के देखेंगे। बिस्मिल्लाह, देखो मुन्ने, ऐसी फूफो कहाँ मिलेंगी आपको जो किचन में आके इतना खुश होती हैं। देखा अभी कैसी आवाज़ निकल रही थी फूफो की। चले जी, ये हो गया ऑयल तैयार, अगर हमने किया ज़्यादा इंतज़ार तो ये हो जाएंगे ब्लैक। तो ये मुन्ना कहेगा ओह हो, आपको पता हम अपना एक डायलॉग बोलते हैं ओह हो, तो ये हमारे मुन्ने का डायलॉग है। वही मेरे कैमरे की तार ना चुबा लेना। हमारे किचन में इजाफा हुआ ये एक नया, इसको मेहमान तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इधर ही रहेगा, हम इसे बोतलें कटिंग करेंगे। ठीक है, इसे हम इसको मिर्च मसाले में नहीं लगाएंगे, बोतल्स कटिंग करेंगे अपनी मनी प्लांट्स के लिए। इधर उंगली नहीं लगानी, इधर बादाम तोड़ेंगे, इधर से बोतल को। अब तो वो वाली बोतलें आती नहीं है जो हमारे बचपन में आती थी, जिससे बोतल खोलते थे, एक बड़ा अहम टूल होता था घर में,
बोतल खोलने के लिए, और वो ना नेबर्स भी लेके जाते थे बोतल खोलने के लिए ना। अब तो वो होता ही नहीं है, वो तो बड़ा नायाब हो गया है। शायद हम बच्चों को दिखाएं तो बच्चे के मामा ये क्या चीज़ है, लेकिन ये इन्होंने ना यहाँ इसमें कैंची में दिया है, तो ये हम आपको बताते रहते हैं घर में किसी चीज़ का हमारे किचन में इजाफा हो तो ये एक नया इजाफा है। मुन्ने से बचा के रखते हैं हम दूर, तो ये तो हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। हम खाएंगे चाट मसाला डाल के और मुन्ने को देंगे बगैर चाट मसाले के। कोई नई चीज़ जब भी आपके घर आए ना तो बच्चों से स्टार्ट करें, तो सुबह खुद अल्लाह ताला ने नेमत भेज दी, बच्चा घर आ गया, तो इंशाल्लाह शाम को हम बाकी केलों का बना के ना तो और बच्चों को मैं बांटेंगे इंशाल्लाह ताला, और भी बच्चों को हम ढूंढेंगे। तो अभी हम इनसे इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह। आपको एक बात बताएं, इसका अपना जाती कोई टेस्ट नहीं था, बस जैसे कच्चे पत्तों का टेस्ट होता है ना या छिलकों का, केले का वही टेस्ट था, ठीक है। इसका अपना जाती कोई टेस्ट नहीं था, जब हम इसे पकाते तब वो मीठा टेस्ट बनता है, जब उसका गूदा गूदा बनता है ना वो मीठा बनता है, और वरना ये केले के छिलकों वाला टेस्ट था इसका। और जब ये पुराने ज़माना जब केले दुनिया में आए, सुना पड़ा यही है कि जन्नत का फल है, ये जन्नत से उतारा गया था। तो आपको ये बता रहे थे पहले इसके अंदर गूदा नहीं होता था, ज़्यादा बीज होते थे, जैसे आम फलों में 3-4 बीज होते हैं काले गोल बीज। तो फिर इसको तजर्बा कर करके इसको सीड लेस कर दिया, और कुछ केलों में ना ऐसे जैसे आम के अंदर वो होते हैं ना तारे तारे सी, क्या कहते हैं मुझे, जाली टाइप को जो दांतों में भी फंस जाती हैं, इस तरह के भी होते थे केले, जैसे शक्करकंदी में भी निकल आती हैं तारे तारे सी बारीक से धागे, हाँ धागे टाइप होते थे। तो फिर साइंसदानों ने, अल्लाह ताला ने उनके दिमाग में डाला कि इस तरह कर लो, तो उन्होंने तजर्बे कर करके अल्लाह के हुक्म से इसमें से गुठलियाँ भी बीज भी गायब कर दिए, और वो धागे नुमा वो भी गायब करके इनको ऐसा जूद हजम बनाया टेस्टी। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा यही फ्रूट खाया जाता है, क्योंकि ये 12 महीने चलता रहता है, आम खाया जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन वो सीजनल होता है, सीज़न में ही आता है, तो इसलिए वो तो सबका फेवरेट है, बादशाह है। लेकिन ये वज़ीर है, ये 24 घंटे काम में लगा रहता है भाई, सेहतमंद हो तंदरुस्त हो छोटे हों बड़े हों जिनके दांत हों ना हों सबके लिए फेवरेट है। बाकी केले के फ़ायदे सबको पता है, हम कितने बताते जाएं आपको, वो स्माइली स्माइली सी बन गया है, अच्छा स्माइली फेस बन रहे हैं इसमें इतने गर्म तेल में जाके भी स्माइली फेस बन रहे हैं, ये देखें इतने उबलते हुए तेल में भी स्माइल कर रहे हैं, हमारी तरह है किचन में आके अब जैसे हम खुश हो जाते ऐसे वो भी पकते हुए तेल में कितनी स्माइली दे रहे हैं। यूनिक केले, एक मतलब ना हम किसी के मेहमान गए तो खाली साहब ने ना ऐसा पूरा ना केले का वो पूरा इतना इतना लंबा ना पूरा डंडा ख़रीद लिया, बड़े अच्छे लंबे लंबे ना बड़े खूबसूरत उस पर केले लग रहे। खाली साहब आए डिग्गी खोलने के लिए ना, आगे आए अपनी सीट के पास, उन्होंने हाथ डाल के डिग्गी खोली, केले वाले ना जल्दी से ना शॉपर में डाल के ना केले बड़ा से शॉपर में डाल के ना रख दिए, तो डिग्गी बंद कर दी, खाली साहब ने उसे पेमेंट कर दी। मेहमानों के ऐसे खाना वाना खा के खूब अच्छी तरह दावत खा के हम घर आ गए, उन्होंने जब खोले केले तो उसमें आप यकीन करें डंडा था, उसमें केले का डंडा था, और एक दर्जन उसमें केले भी लगे हुए थे, बाकी इतना बड़ा शॉपर छिलकों से भरा हुआ। उन्होंने कहा जिनके घर हम मेहमान गए थे, कहते हैं भाई हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन ना हम आपको बताना चाहते कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, लेकिन आइंदा एहतियात करें, डिग्गी में इस तरह सामान ना रखवाया करें, अपने हाथ से रखा करें। तो केले देख, जब भी हम केला देखते हैं ना हमें अपना वो वाला वाकया ज़रूर याद आ जाता है, कि कहीं जाते हुए मेहमान बन के जाते हैं, किसी को अच्छी से अच्छी चीज़ हम देते हैं, कि भाई कहीं जा रहे हैं तो सुन्नत के मुताबिक अच्छी से अच्छी चीज़ दें, तो देखो उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। चलें जी, किसी ने रिस्क हलाल कमाना होता है और किसी ने हराम ही कमाना होता है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, खात्मा ईमान पे करे, और हमें हमेशा जन्नत में भी, दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, जन्नत के भी मेवा जात हम खाएं, ये भी जन्नत का फल है जिसको हमने कढ़ाई में।
लेने दो, फिर उस आपने मसाला डाल लेना है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ना इसकी ये थी कि इसमें ना ऑयल आया नहीं, इससे ना टिश्यू पे रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी ना नन्हे मोहम्मद ले ले, पारो मोहम्मद, फिर हम ना इसमें इसको ना हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसके लिए ना थोड़ा सा नमक डाल दें, उसको कोई टेस्ट आए। और हम लाना नमक, पिंक सॉल्ट होगा हमारा कौमी निशान, पिंक सॉल्ट हम वो उसके साथ यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से चाट मसाले के साथ भी ना इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ऊपर रखा है। स्टार्ट है, मुझे भी देना है। ये हमने हार्वेस्ट किए थे बनाना के, बनाना उसमें फिर मामा ने चिप्स बनाए हैं अभी, और ये काफ़ी सस्ता बने हैं। मोहम्मद अहमद के मुंह में पानी आ रहा है। चलें जी, थोड़ा और फोर्ट करेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की हर नेमत, हर नेमत बिल्कुल परफेक्ट है। हम क्या तारीफ करें अल्लाह की चीज़ों की, हर चीज़ तारीफ के लायक है। ये यूनिक मामा के ये बनाना, बनाना केला, और हमने इसका ये बनाना का ये बना दिया है, बना दिया रहा। और हाँ, और हम अपने भाई को टेस्ट करा रहे थे। बड़े भाई हमारे टेस्ट करने लगे। आपको धूप में जहमत दी हमने, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। यूनिक मामा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अंगूर धूप में कहाँ गुम हो गए, या बच्चों ने तोड़ दिए। हाँ, मिल गए, मिल गए, मिल गए।